हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। और नए वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर पर को आशीष दे। मेरे प्रियजनों, वो महान है, वो जीवित है, उसकी करुणा सदा की। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, उदासी में हो, बेचैनी में हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा परमेश्वर आपको आजाद कर देगा और रिहाई देगा। और रिहाई देने वाला परमेश्वर है, आपको हीलिंग देगा, आपको चंगाई देगा। यदि आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, तो आज आप सच्चे प्लेटफॉर्म पे आए हो। आज आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हुए हो कि मेरा परमेश्वर जो जिंदा है, जो जिंदाओं में काम करता है, आपके जीवन को मेरा परमेश्वर बदल के रख देगा। वो बदल के रखने वाला परमेश्वर है। आप बदल जाओगे, आपका घराना बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप यीशु के पास आए हो, मेरा पिता आपको बदल देगा। यदि आप टूट चुके हो गरीबी से, परेशानी से, बीमारी से, 30 साल से, 20 साल से बीमारियों में जकड़े हो, यीशु मसीह को आजाद कर देगा, आपको हीलिंग देगा। आप बदलोगे, आप चंगे हो जाओगे। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरे हृदय की बातों को जानता हूँ। तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारा देने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, जब संकट में है, संकेती में है, बेचैनी में है, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, तो यीशु मसीह के पास, यीशु नासरी के पास आए हो। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, हीलिंग देगा, चंगाई देगा। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। मेरे प्रियजनों, यीशु के पास आए हो, मेरा पिता आपसे प्यार करता है, उसने हमसे भी इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पर में कीले ठोके गए, 39 कोड़े लगवा गए, मुँह पे थूका गया, इतना दर्द, इतनी पीड़ाएं यीशु मसीह ने सिर्फ हम सभी के लिए सहा, हम सभी के खातिर वो क्रूस पे चढ़ गया, उसने हम सभी से प्यार किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए उसने जान दे दिया, कोड़े खा लिए, मुंह पे थुकवा लिया, सिरका पिला ली, पी लिया, सिर्फ हम सभी के खातिर, हम मानव जात के खातिर, हम इंसानों के खातिर, इन पापियों के कारण पिता ने अपनी जान दे दिया, उसने अपने आप को नहीं छोड़ा, इस संसार के लिए उसने अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया। मेरा परमेश्वर नहीं रख छोड़ा मेरा पिता। हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों और बहनों, हे मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप दर दर के ठोकरें खा रहे हो, कहीं आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप मेरे परमेश्वर के पास आए हो, यीशु मसीह के पास आए हो। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आपको हीलिंग देगा, आपको छुटकारा देगा, मिराकल करेगा, मिराकल मेरा परमेश्वर, मिराकल करने वाला परमेश्वर है। आपके अपराधों को, आपके गुनाहों को यीशु मसीह माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। यीशु मसीह से बोलिए, जो पाप हुआ है, जो गुनाह हुआ है, यीशु मसीह से बोलो, मेरा परमेश्वर आपके अपराधों को, आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसी के पास अधिकार है कि हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्म को क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरे हृदय की बातों को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ। मेरे प्रियजनों, आप चिंता मत करिए, आप चिंता करके यह मत कहिए कि मुझे कल क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है। यीशु मसीह ने कहा है, उन पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना तो काटते हैं, तो भी तुम्हारा पिता उनको खिलाता है। तुम तो उनसे अधिक बहुमूल्य हो। तुम्हारे तो पिता ने हाथ दिया है, पैर दिया है, दो हाथ दिया है, जीव दिया है, दिमाग दिया है,
है ना, आप उनसे बहुमूल्य हो। परमेश्वर का धन्यवाद करो जो परमेश्वर हर एक दिन दिखाता है, नया दिन किरण दिखाया, ये रात दिखाई मीठी सी प्यारी सी। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनना है और लास्ट तक सुनना है और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करना है। तो चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, आपकी महिमा करते बड़ाई करते जय जयकार करते पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर जो आपने हम सभी को जीवतों के बीच में मेरे पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा मेरे पिता, इसके लिए मेरे प्रभु मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से मेरे पिता वे बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े का भी नहीं मरते मेरे पिता, जो आपने हम सभी का नाम लेके बुलाया, उद्धार किया, छुटकारा किया मेरे प्रभु, इसके लिए मेरे पिता मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक है यीशु राजा। मेरे पिता आपने कहा मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने मोबाइल पर पूरे विश्वास के साथ सुनने मेरे परमेश्वर, ने कैंसर है, गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, पथरिया हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, हे मेरे राजाओं की राजा दाऊद की संतान यीशु राजा, किसी के पास मेरे प्रभु इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कि अपना इलाज करा सके मेरे पिता, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जुन संभाल लीजिए, ये टूटने बिखरने ना पाए, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता। मनुष्य निर्बल है, कमजोर है, वह टूट सकता है, बिखर सकता है मेरे पिता, की बीमारियों को चंगा करें, बीमारियाँ जाए, कैंसर जाए, गिल्टियाँ रसोलियाँ बाहर मेरे पिता ने चंगाई दीजिए, वो स्वर्गीय सामर्थ काम करने पाए, स्वर्गीय सामर्थ करे, पवित्र आत्मा जी चंगाई दीजिए, हीलिंग दीजिए, छुटकारा दीजिए, मिराकल कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाएं और चंगे हो जाएं, हील हो जाएं, फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, बदल जाए इनका घराना, बदल जाए इनकी फैमिली, बदल जाए यीशु नासरी के नाम में मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बहनों के लिए जिन बहनों की कोखें बंद पड़ी हैं, जिन्हें बच्चे नहीं होते मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, बंद कोखें खुल जाए, बंद कोखें खुल जाए, बंद कोखें खुल जाए, कोखें खुल जाए मेरे परमेश्वर, बच्चे की आशीष दीजिए, स्वर्ग से बच्चे की आशीष रिलीज होने पाए, बच्चे की आशीष रिलीज होने पाए यीशु के नाम में। ब्लेस करता हूँ मेरे पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं मेरे पिता और आमीन बोलते हुए रिसीव कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जो कंगाल हैं, जो फकीर हैं, जो कमाने वाले नहीं पिता, जो 100-200 रुपए पर, 1000 रुपए पर अन्य जातियों से उधार ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं मेरे प्रभु, ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता ये आपके पीछे हैं, आप इनका जीवन संभालिए, ये टूटने बिखरने ना पाए, ये टूटने बिखरने ना पाए, ना पाए, ना पाए, ना पाए यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी चली जाए राइट नाउ, डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं खटखटाता हूँ इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी चली जाए, जड़ से खत्म हो जाए राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ उन घरों में जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा को मैं डांटता हूँ, हर गंदी बदरूह दुष्ट आत्माएं इनके घरों से चल के भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, सारी बातों को यीशु मसीह मैं आप तुम्हें सौंपता हूँ, आजादी दीजिए, आजादी आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीष दीजिए, ये फलवंत हो जाए, इनका घराना फलवंत हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह भवन रात में नहीं सो पाता, इन्हें डर लगता भलगता मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी मेरे पिता। मुझे ऐसा विश्वास है आपने प्रार्थना को सुन लिया है, ये छोटी स्मृति उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिएगा और कबूल करिएगा, आमीन।